हाय गर्मी इतनी है यार। हेलो एवरीवन, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। तो क्या हाल चाल, आई होप कि बेहतरीन होंगे आप सब लोग। और दोस्तों, आज इंजीनियर बनने के बाद, मैं नहीं बना हूँ इंजीनियर यार, इंजीनियर बना बना के सॉरी, चाउमीन बेक बेक के इंजीनियर बने हैं उनके बच्चे। जी हाँ, जिनकी बात करने जा रहा हूँ, बीड़ी चाउमीन वाले भैया हैं एक अपने, ब्रह्मदेव उनका एक्चुअल में नाम है, और एकदम ज़बरदस्त उनकी शॉप है। ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन एक ठेली वाली शॉप है उनकी, बहुत बढ़िया शॉप है। और मैं बताना चाहता हूँ आप सब लोगों को, चाउमीन बेक बेक के उन्होंने अपने बच्चों को इंजीनियर बनाया दोस्तों, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज के समय में उनके जो बच्चों का जो पैकेज है वो लगभग दोस्तों जो है वो 12 से 13 लाख रुपये से ऊपर का है, जहाँ तक मैंने उनकी कहानियाँ सुनी हैं। तो आज मैं आप लोगों को वहाँ पर लेके जा रहा हूँ, और चाउमीन भी मैं उनकी टेस्ट करवाऊँगा आप लोगों, और खाएँगे भी, देखेंगे कि कैसे चाउमीन बनी है और मज़ा आता है या नहीं आता है दोस्तों। तो चलते हैं भैया ब्रह्मदेव जी के पास, और बढ़िया से बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं ये तो जाकर पता चलेगा। तो चले चले। तो बीडी फास्ट फूड पे हम आ चुके हैं। ये बीडी फास्ट फूड के नाम से भैया की अपनी खुद ही शॉप है, आप लोग सब देख सकते हैं दोस्तों। और बड़े अच्छे से साफ़ सफाई से भैया बनाते हैं, और काफ़ी एजिड पर्सन हैं भैया, और ये देख सकते हैं ये भैया हैं। और कैसे हैं भैया? बढ़िया भैया। और बढ़िया भैया सब? हाँ भैया सब बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया भैया, ये भैया हैं। तो भैया किस नाम से अपनी शॉप है? बीडी शॉप के नाम से, ब्रह्मदेव के नाम से है। अच्छा, ब्रह्मदेव के नाम से है। बीडी फास्ट फूड के नाम से। अच्छा, बीडी फास्ट फूड के नाम से। ये ब्रह्मदेव भैया आपका नाम है? हाँ जी। अच्छा, बहुत बढ़िया, भैया का नाम ब्रह्मदेव है दोस्तों, देख सकते हैं आप सब लोग। और ये भैया चाउमीन के अंदर सोयाबीन तो दबा के भैया के अंदर मिलती है, और बहुत अच्छे से साफ सफाई से भैया बनाते हैं चाउमीन, बीडी फास्ट फूड के नाम से दोस्तों, आप सब लोग देख सकते हैं। और ये इनकी बढ़िया सी अपनी खुद की दुकान है, आप लोग देख सकते हैं। और ये मानिए कि कितने बजे लगा लेते हैं भैया आप? ये 12 बजे से चालू हो जाता है। अच्छा, 12 बजे आप लगा देते हैं यहाँ पे, और लास्ट कितने बजे तक रहते हैं यहाँ पे भैया? 8 बजे तक यहाँ पे रहते हैं आप लास्ट? अच्छा, 12 बजे सुबह आ जाते हैं मतलब दिन में, और लास्ट 8 बजे तक रहते हैं। बाकी काम के ऊपर भी डिपेंड करता होगा कि थोड़ी बहुत टाइम आगे पीछे हो जाता है। तो अभी एरिया कौन सा पड़ता है ये राजनगर का? राजनगर अपोजिट श्याम अस्पताल। श्याम अस्पताल अपोजिट श्याम अस्पताल राजनगर। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अपोजिट श्याम अस्पताल है, अगर आप लोग आना चाहें तो आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं। तो आप क्या क्या रखते हैं जैसे? आप केवल चाउमीन बनाते हैं? चाउमीन बनाते हैं। अच्छा, उसके साथ और कुछ नहीं? नहीं। अच्छा, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह, पानी वगैरह आप सब लोग रखते हैं? अच्छा, तो कहाँ पे रहते हैं सर आप? शास्त्री नगर। अच्छा, शास्त्री नगर में रहते हैं, क्या बात। शास्त्री नगर में मतलब कि वहाँ से यहाँ आते हैं मतलब कि लेके? तो ये मतलब कि ये ठेली आप अपनी कहाँ पे रखते हैं भैया जी? ठेली तो यही रख लेते हैं, लेकिन हम डेली अपना यहाँ अप डाउन करते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया भैया, देख सकते हैं आप सब लोग की अभी दिन में भैया से हमें समय मिला था, क्योंकि शाम में ज़्यादा रश होता है भैया के पास। तो भैया आपसे तो दिन में टाइम मिला था, शाम में काफ़ी रश होता है। शाम को बात नहीं कर सकते? हाँ, शाम को भैया बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि काफ़ी रश होता है। बात करने की ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन काफ़ी इतना रश होता है कि वो चाहते हैं कि उनका जो कस्टमर है हर कस्टमर खुश रहे। ये दोस्तों देख सकते हैं आप सब लोग, ये उनकी खुद की अपनी वो घर में चटनी बनाते हैं, दिखा सकते हैं भैया एक बार? ये देख सकते दोस्तों, ये खुद अपने घर में चटनी बनाते हैं ये, और ये उनका पूरा पीछे की ओर से ये सारी चीज़ें हैं, ये मानिए कि बहुत अच्छे से साफ़ सफाई से ये सारी चीज़ें करते हैं। तो भैया एक प्लेट लगाइए ज़रा हमारे लिए भी। तो कितने की है वैसे ये? 30 रुपये की एक प्लेट है। 30 रुपये की एक प्लेट है, तो इससे छोटी वाली भी होती है? इससे छोटी वाली 20 रुपये की आती है। अच्छा, और ये 30 वाली फुल होती है? हाँ जी। ठीक है, तो एक फुल प्लेट लगा दीजिए आप, 30 वाली अभी लगा। दोस्तों अपनी चाउमीन रेडी हो रही है, देख लीजिए, ये देखिए। और भैया सोयाबीन अच्छे से कीजिएगा, मजा आ जाता है भैया की सोयाबीन में। लगाते हुए लगभग 20 साल हो गए इसको बनाते हुए। क्या बात है, कितना टाइम हो गया भैया आपको? लगभग 20 साल। 20 साल बनाते हुए, क्या बात है दोस्तों, सोयाबीन ही सोयाबीन है, और मजा आ जाता है, मुझे सोयाबीन बड़ी पसंद है। तो आपको 20 साल यहाँ पर लगाते हो गए, तो कितने टाइम से मतलब की कब से लगा रहे हैं, कौन से सन से लगा रहे हैं आप? ये आप लगभग 20 साल आप वो कर लेंगे? हाँ। अच्छा, तो 20 साल लगभग हो चुके हैं, अपनी चाउमीन रेडी है भाई। और अपुन को लगता है कि थोड़ी सी प्याज भी डलवानी चाहिए इसमें, तो प्याज भी डलेगी अपनी चाउमीन में। हाँ, तो 20 साल आप देख सकते हैं कि भैया को 20 साल हो गए हैं। तो भैया मतलब कि फैमिली में कौन कौन है आपकी? फैमिली मतलब 4 मेंबर हैं हम। अच्छा, 4 मेंबर हैं। दो बच्चे। ओके। और मियाँ बीबी। अच्छा, तो बच्चे क्या करते हैं भैया?
हमारे इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर। क्या बात है, क्या बात है। अपनी प्याज जल चुकी है दोस्तों, देख सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि भैया के जो बच्चे हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। और मतलब कि उन्होंने अपने ही इस ठेले से सब कुछ उनको पढ़ा के इतना बड़ा बनाया है, ये देख सकते हैं। और मतलब कि भैया के अंदर मतलब बिल्कुल भी ज़रा भी वो नहीं है कि मतलब कि मीन्स हमारे बच्चे इतने बड़े मुकाम पे हैं। तो सुबह 12 बजे आ जाते हैं, रात को 8 बजे जाते हैं। जी 10 बजे, 12 बजे से काम चालू हो जाता है। अच्छा आते 10 बजे हैं, 12 बजे से काम चालू हो जाता है। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। तो बच्चे अभी आपके साथ ही रहते हैं या कहीं? बेंगलोर है। अच्छा बेंगलोर में रहते हैं, क्या बात है दोस्तों। देख सकते हैं आप लोगों को सीखना चाहिए भैया जी से ही, मतलब कि इतनी एज में। तो अभी कितनी एज होगी भैया जी वैसे आपकी? हमारी 51 एज है भैया जी की, भैया जी की 51 एज है। और बच्चों को अपने स्टेबल कर दिया है, मतलब कि एक बच्चा बेंगलोर में है और दूसरा बच्चा कहाँ पर है? दूसरा बेटी है। अच्छा बेटी है, अच्छा बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बेटी है। तो दोस्तों बातें तो बहुत सारी हो गई हैं, मैंने सोचा कि थोड़ा पेट पूजा अपनी कर ली जाए और चाउमीन अपनी रेडी है और खाकर आपको टेस्ट जरूर बताया जाए कि कैसी। तो जी अपने चाउमीन आ चुकी है और रेडी हो चुकी है बढ़िया से। जैसे कि अपने को तो प्याज ही पसंद है और सोयाबीन भी पसंद है, मज़ेदार है। तो जी मज़ा आ चुका है चाउमीन खा के, और ये समझो कि हॉट भी अपने पिंक पिंक लाल हो चुके हैं। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, पसीने भी आ रहे हैं यार, मतलब दबा के इतना जो ज़बरदस्त टेस्ट था भैया का, मतलब एक बार जो आए ना, एक बार जो आए वो बार बार आए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से कि आप एक बार ज़रूर आएँ भैया के पास, टेस्ट जरूर करके जाओ, मतलब यहाँ से टेस्ट जरूर करके जाएँ चाउमीन। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको अच्छी ज़रूर लगेगी, ठीक है। राजनगर में ज़रूर आएँ टेस्ट करने के लिए। भैया से थोड़ी सी मुलाकात कर लेते हैं, ठीक है, और पूछते हैं कि कैसा कैसा उन्होंने संघर्ष किया और कैसे कैसे आज उनके बच्चे कहाँ पे स्टेबल हैं, ठीक है। तो भैया मज़ा आ गया था चाउमीन खा के। तो अभी आप कुछ बता रहे थे तो अब मैं शूट नहीं कर पाया था, तो आप मुझे फिर दोबारा से बताइए कि अभी बच्चे कहाँ पर हैं आपके? ये बच्चे अभी बेंगलोर में है, ये जापान की कंपनी है कोई जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर है। अच्छा क्या बात है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं जापान कंपनी में। तो मतलब कि आपने बच्चों को अपने उनके पैरों पे खड़ा किया है, मतलब कि मीन्स स्टेबल किया है, मतलब आप चाहते थे कि जैसा मैं रहूं तो वैसे वो ना रहें। क्या बात है। तो आज के समय में उनकी तनख्वाह कितनी है सर? तनख्वाह 12 है। अच्छा 12 लाख से ऊपर पैकेज है, क्या बात है भैया, सुपर, बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं और सीख भी सकते हैं भैया से, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब हम नहीं कर सकते लाइफ में कुछ, और हम मतलब कि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब कि हम घर पे ही रहना चाहते हैं, तो भैया से बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। देखिए पान। तो जी बात हो चुकी है भैया से और आप लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा और मज़ा आ गया होगा देख के व्लॉग। तो यार मैं हर बात एक बात बोलना चाहता हूँ कि लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि चाउमीन में प्याज अच्छी लगी है, सोयाबीन अच्छी लगी है। तो और मैं बताना चाहता हूँ आप सब लोगों से कि आए जरूर यार यहाँ पे खाने के लिए भैया के पास, सपोर्ट करें भैया को। और थैंक यू सो मच ऑल, देन लव यू ऑल।